दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आप रील्स पर वीडियो बना करके अपलोड करते हो और आपके मन में एक सवाल चलता रहता है कि भाई जो वीडियो हमने बना करके अपलोड की, अपलोड होने के बाद में उसमें साउंड कैसा है, वो वीडियो कैसी बनी, ये चीज़ चेक करने के लिए हम खुद की आईडी से उसी वीडियो को वॉच करते हैं। यहाँ तक कि हम उसको लाइक और कमेंट भी कर देते हैं। तो ऐसा करना क्या हमारी वीडियो के लिए सही होता है? क्या ऐसा करने से हमारी वीडियो वायरल होगी? या फिर ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? खुद के अकाउंट पर अपनी रील्स वीडियो को वॉच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ऐसा करने से हमारी रील्स वीडियो पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? हमारी रील्स वीडियो वायरल होगी या नहीं होगी? ये काफ़ी सवाल काफ़ी लोगों के मन में रहते हैं। तो सभी के जवाब इसी वीडियो से आपको मिलने वाले हैं और सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अपनी रील्स वीडियो को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद में आप खुद के ही अकाउंट पर जा करके खुद की ही आईडी से, जिस आईडी पर आपने उसको अपलोड किया उसी आईडी से आप उसको देख रहे हो और उसी आईडी से लाइक और कमेंट भी कर रहे हो, तो ऐसा करना गलत होता है। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है, रील्स का जो एल्गोरिथम होता है, उसको पता चलता है कि आप खुद के अकाउंट से उसको वॉच कर रहे हो और उस पर लाइक बढ़ा रहे हो, उस पर जो है आप कमेंट कर रहे हो, उसका वॉच टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो खुद देख देख करके। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो कि हमारी वीडियो कैसी बनी और उसके अंदर जो साउंड हमने डाला वो किस तरह का डाला, कैसी उसकी आवाज़ आ रही है, ये चीज़ सब चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी दूसरे फ़ोन से आप उस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो, या फिर किसी दूसरी आईडी से। अगर आपके पास में फ़ोन दूसरा नहीं है तो फिर दो आईडी आपको बना लेनी है। आप दूसरी आईडी से अपनी उस रील्स को, अपने अकाउंट को उसको सर्च करेंगे, सर्च करके उसी रील्स पर जाएंगे जो आपने अपलोड की है उसको देखेंगे, लेकिन उसी अकाउंट से नहीं देखेंगे जिस पर आपने उसको अपलोड की है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जिस अकाउंट पर हम रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं उस अकाउंट से उस रील्स को आप नहीं देख सकते। ये गलत होता है, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए और ख़ुद के ही अकाउंट से खुद की वीडियो को लाइक और कमेंट भी नहीं करने चाहिए। तो आप दूसरे फ़ोन से देख सकते हो या तो, या फिर अगर आपके पास में एक ही फ़ोन है तो उसके अंदर दो आईडी बना लीजिए, दूसरी आईडी से आप उसको वॉच कर सकते हो और दूसरी आईडी से कमेंट और लाइक भी कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आप रील्स को अपलोड करने के बाद में उसको देखना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।